माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल बैंक। अगर आपके पास कमर्शियल बैंक का खाता है तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग रजिस्टर कैसे करें, यह हम आपको फुल प्रोसेस समझाएंगे हिंदी एंड इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, हाउ टू रजिस्टर कमर्शियल बैंक ऑनलाइन नेट बैंकिंग। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गो टू माई मोबाइल स्क्रीन। आई शो यू माई न्यू ATM कार्ड। ओके, चलिए तो अभी हम देखें, हमारा ATM कार्ड अभी नया आया है और हम आपको इसमें रजिस्टर करके दिखाएंगे कैसे रजिस्टर करते हैं। ओके, एंड फुल प्रोसेस आपको समझाएंगे कि आप रजिस्टर कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें ऑप्शन आता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम उसका भी CBQ एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद जो जो प्रोसेस होगा हम आपको बताएंगे। ओके ओके, ओपन द CBQ एप्लीकेशन। इसमें क्या थोड़ा समय लगता है, इसको जब आप ओपन करेंगे थोड़ा समय लगेगा, इसके लिए 1 मिनट या 2 मिनट वेटिंग करें, उसके बाद से ऑटोमेटिक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ओपनिंग टाइम 1 मिनट या 2 मिनट, सो प्लीज़ वेट। ओके ओके, सी दिस नेक्स्ट ऑप्शन, अलाउ CBQ टू मेक एंड अप मैनेज फोन कॉल्स। ओके, प्रेस देन अलाउ। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें रजिस्टर्ड फॉर मोबाइल बैंकिंग में आपको प्रेस करना है। ओके, उसके बाद ऑप्शन आ गया, इसमें आपको कतर ID एंड पासपोर्ट नंबर मांग रहा है और दूसरे नंबर में मोबाइल नंबर मांग रहा है। आप कतर ID का नंबर डाल सकते हैं या पासपोर्ट नंबर भी नंबर डाल सकते हैं, दूसरे मोबाइल में डालिए। ठीक है, ओके, इफ़ यू हैव पासपोर्ट नंबर एंड कतर ID, सो प्लीज़ इंटर 1 पासपोर्ट नंबर या कतर ID, एंड सेकेंड ऑप्शन मोबाइल नंबर इंटर। ओके ओके फ्रेंड्स, इंटर योर मोबाइल नंबर एंड पासपोर्ट नंबर, आफ्टर देन प्रेस ओके। उसके बाद अब जो नीचे वाला बटन है उसमें आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद से फिर से नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखते रहिए। ओके, आपका लिख रहा सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद आप ओके के प्रेस करें, फिर से आपके ATM का जो नंबर 4 डिजिट का उसको इंटर करना है। ओके, इंटर योर ATM 4-digit नंबर। ओके, आफ्टर देन सक्सेसफुल, सी दिस। ओके, तो आपके पास जो आपने जो नंबर डाला हुआ है मोबाइल नंबर, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, ऑटोमेटिक आप में इसमें रिफिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, या आप खुद से डाल सकते हैं। तो उसके बाद से देखिए, अभी हमने पूरा अपना मैसेज का OTP नंबर डाल दिया, फिर यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, इसमें सब पढ़ के आपको क्या क्या इसका कंडीशन है, क्या क्या मतलब रूल्स है, रेगुलेशन है इस बैंक का। ओके, ये सब पढ़ के आप सोच समझ के आप इसके बाद आप अलाउ करें या ओके करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं आगे। इसमें देखिए, इसमें एक्सेप्ट के लिए आपको रेड वाला बटन पे क्लिक करके फिर से एक्सेप्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए सब हो गया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ओके ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं आगे। आपको देखिए, वेलकम टू, देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया पूरा हमारा नेम एंड बैलेंस तो 0-0 शो हो रहा है। ओके, तो इसमें देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा अकाउंट था और दूसरा में ट्रांजेक्शन है। इसमें देखिए, ट्रांसफ़र टू इंडिया एंड ट्रांसफ़र टू अदर कंट्री। ओके, इसमें कैश अकाउंट है। ओके, यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसमें 3 बार फ्री मिल रहा है। ओके ऑप्शन, ओके फ्रेंड्स, आप अब जब कोई भी आप बनाते हैं, यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, तो आपको 2 या 3 बार ये आपको बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है आप अपने कंट्री पर पैसा भेजने के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एड बेनिफिशरी, आपको अगर फर्स्ट टाइम पैसा भेजना हो तो अपने बेनिफिशरी के नाम, अकाउंट नंबर, उसका डिटेल्स, मोबाइल नंबर सब इसमें इंटर करना होता है। एंड थर्ड नंबर में देखिए पेमेंट ऑप्शन कहा गया, इसमें आपको अपना वोडाफोन या वीडियो सिम का आपको रिचार्ज करना है, पोस्ट पेड बिल पेमेंट करना है, तो उस वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, ये एकदम पूरा इजी है, इसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको शायद से ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड अलाउ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो।